होमोसेक्सुअलिटी की दर्द भरी कहानी, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन एवं मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक 18 साल का लड़का, 18 साल अभी अभी पूरा किया, उसके माँ बाप ने मेरे तरफ लाए। अभी उसने 12th पास किया है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, तैयारी कर रहा है, ट्यूशन लगाई हुई है, और अभी उसको ये लगता है कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट मेल्स की तरफ होता है और वो नहीं चाहता कि वो मेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसको एक गर्लफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड के साथ में भी उसका रिश्ता है। उसने गर्लफ्रेंड के साथ में कभी सेक्स नहीं किया, मगर बॉयफ्रेंड जो उसके, उनके साथ में उसने सेक्स किया हुआ है। अभी ये जो मैटर बाहर आया कैसे, अभी तक ये छुपा हुआ था। पिछले 5-6 साल से उसको अट्रैक्शन था मेल्स के तरफ, बॉयज़ के तरफ, और जब मौका मिले तब वो कभी कभी पैसिव या एक्टिव पार्टनर होमोसेक्सुअल में रहता था। अभी ऐसा हुआ कि उसका एक दोस्त, जिगरी दोस्त, वो बाहर का है, उसने क्या किया कि उसने फ़ोन किया दोस्त ने कि मैं तुम्हारे गाँव में आने वाला हूँ और उसके कोई रिलेटिव है वहाँ, मैं आ रहा हूँ। उसने उसको फ़ोन किया तो उसको आनंद हुआ कि भाई ठीक है, अपना वो जिगरी दोस्त मिल रहा है बहुत दिन के बाद में। वो तो आने वाला था, उसके मन में तो उसको मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर इसके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। जैसे ही वो आ गया तो उसने उसको कहीं दूर लेके गया जंगल में। घर से निकलने के समय उसने कुमकुम लिया, कुमकुम, और शादी के जो भी रहते हैं, जैसे गले का हार है सोने का, वो अपना अपने मम्मी से उसने चुराया। फूल का हार उसने लिया जाते जाते, और उसको वो लेकर गया, वो उसने थैली में डाला और वो उसको लेकर गया दूर जंगल में। बोले हम खेत में जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में उसके साथ में उसने फिजिकल रिलेशनशिप होने के लिए उसने कोशिश किया, जैसा किसिंग करना या पकड़ना, और उसने उसको बोला कि मैं तेरे साथ में शादी करना चाहता हूँ। अब ये तो दोस्त गड़बड़ा गया, उसको समझे नहीं क्या हो रहा है। उस वहाँ से वो भाग गया और उसने ये लड़के के पिताजी को फ़ोन किया कि देखो ये क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पिताजी ने उसको समझा के लाया तो मालूम पड़ा कि भाई ये उसके साथ में रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, उसको प्रपोज करना चाहता है, हालांकि वो लड़के कुछ मालूम ही नहीं। फिर जब उसको पूछा तो उसने कबूल किया कि ये पिछले 4-5 साल से हो रहा है, जब से उसको ऐसे फीलिंग आने लगे तो उसको दोनों फीलिंग आ रहे, लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा लड़कों की तरफ, मगर ज़्यादा लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसको बहुत गिल्टी भी लगता है, और वो इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है वो विचार कि वो नहीं चाहते हुए भी फिर वो किसी को फ़ोन कर लेगा, किसी के साथ में फिजिकल होने की कोशिश करेगा। उसने एक्चुअली इंटरकोर्स बहुत कम बार किया हुआ है, मगर बैठना, हाथ पकड़ना, गले लगाना, ऐसा कुछ ना कुछ बहाने से वो करेगा, और विचार उसको बार 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 आता है कि उसका रोज का जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। नींद बराबर आती नहीं है, खाना बराबर खाता नहीं है, फिर बोलता है कि नहीं मुझे अच्छा लगता नहीं, मैंने मरना चाहिए, उसको सुसाइडल थॉट्स है। और फिर वो कभी ऐसा सोच रहा था कि भाई मैंने घर से भाग जाना चाहिए, मैं माँ बाप के यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, मैंने तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपना मुँह काला करना चाहिए। तो उसने उसके माँ बाप ने मेरी तरफ लाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनका अट्रैक्शन मेल्स की तरफ है, दे आर गे, दे आर होमोसेक्सुअल। अब ये तो लड़का बायसेक्सुअल है, और लड़कियाँ भी हैं जो लेस्बियंस हैं, और वो लोग इलाज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं रहूं, वो चाहते हैं कि मैंने शादी करना चाहिए, मैंने अभी ये बंद करना चाहिए, मगर वो ऑब्सेसिव लेवल पर चले गए, ऑब्सेशन हो गया उसका। बार बार इतना विचार उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है कि उसको रहा नहीं जाता, और फिर वो कर लेता है। तो एक ऑब्सेशन लेवल एक एडिक्शन जैसा हो जाता है, और उससे फिर उनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फिर उसको डिप्रेशन से सुसाइडल थॉट्स है। अभी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो हमारी शीर्ष संस्था है साइकेट्रिस्ट की, कि भाई नहीं, ये लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए, और कोई भी इलाज जो करते हैं, कोई भी इलाज और कोई भी ऐसा अटेम्प्ट करता है इलाज करने का, तो वो जो है वो साइंटिफिक नहीं माना जाएगा, और वो कन्वर्शन, उसको कन्वर्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो इलाज जो है वो एक फेक इलाज माना जाएगा, गलत माना जाएगा, और वो अप्रूव नहीं करते हैं। अभी सवाल ये आता है कि वहाँ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने या और भी जो
नेशनल मेडिकल काउंसिल भी हो या मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ निर्णय दिया हुआ है, तो वहाँ वो क्लियर अभी तक नहीं है कि समझो ये लोगों को यदि एंग्जाइटी है, बहुत घबराहट है, बेचैनी है, उनको गिल्ट फीलिंग हो रहा है, उनको डिप्रेशन हो गया, उनको ऑब्सेशन है और वो अभी छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते होमोसेक्सुअल, उनका जीवन वो बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लिए ऐसे लोगों के लिए क्या करें? वो काउंसिलिंग के लिए तैयार है, वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार है, और ऐसे लोगों को यदि हम काउंसिलिंग करते हैं, उनके जो विचार है, उनका डिप्रेशन एंग्जाइटी वो दूर करते हैं, उसके लिए उनका इलाज करते हैं, जो लोगों का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लेवल पे है या मिक्स पिक्चर है, उनको ऐसे सारा इस टाइप की दवा दे तो डेफिनेटली हम उनको मदद कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक सेपरेट सेल चालू करने भी सोचा है कि भाई ऐसे जो लोग हैं जो हमको लिखित स्वरूप में देंगे, मैंने हम अभी हमारा ओरिएंटेशन जो है उसके वो जो है होमोसेक्सुअल का, उसके साथ साथ जो तकलीफ है, उसके साथ साथ हमको जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है उसका इलाज करना चाहते हैं, तो हमारा इलाज किया जाए और वो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनका इलाज करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।